सभी छात्रों को सुप्रभात। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हिंदी विषय के संस्कृत व्याकरण खंड से हमने आपको संधि पढ़ाई थी। आशा है आपने संधि को सही तरीके से समझा होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको संधि से आगे खा खंड में शब्द रूप के बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। आपने कक्षा 9, 10, 11 में शब्द रूप एवं धातु रूप पढ़े होंगे। उसी क्रम में हम आपको शब्द रूप के बारे में आज बताने जा रहे हैं। अब शब्द रूप और धातु रूप में अंतर क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम में बनते हैं। संज्ञा में जो शब्द रूप बनते हैं वो 8 विभक्तियों में बनते हैं, और सर्वनाम में जो शब्द रूप बनते हैं वो सप्तमी विभक्ति तक बनते हैं, और जो धातु रूप होते हैं वो क्रियाओं के रूप होते हैं, यानी जो धातु होती है उसे हम क्रिया कहते हैं, तो वो पुरुष में चलती हैं। जो धातु रूप होते हैं वो आपके पुरुष में चलते हैं, और पुरुष 3 होते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी, मध्यम पुरुष सबसे पहले होता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आपके जो धातु रूप होते हैं वो पुरुष में चलते हैं, और जो ये शब्द रूप हैं वो आपके विभक्तियों में चलते हैं। और शब्द रूप संज्ञा के भी होते हैं और सर्वनाम के भी होते हैं। तो आज हम आपके सामने सबसे पहले संज्ञा शब्द के शब्द रूप देखेंगे। तो संज्ञा में क्या होता है? संज्ञा में आप जानते होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा कहलाते हैं तो संज्ञा के अंतर्गत जो संज्ञा में आते हैं उनके रूप आएंगे। तो इसी क्रम में हम आपके लिए संज्ञा शब्द में आत्मन यानी आत्मा, और ये संज्ञा पुरलिंग में है, यानी आत्मा को हम पुरलिंग में जोड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये विभक्ति हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जो धातु रूप होते हैं आपके, तो उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, और शब्द रूप में यहाँ उसमें जो पुरुष होते हैं, जो धातु रूप होते हैं उसमें पुरुष होते हैं बस, केवल प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन शब्द रूप में विभक्ति चलेंगी आपकी। अब संज्ञा शब्द में जो ये संज्ञा शब्द हैं, तो इसकी जो विभक्ति होंगी वो 8 विभक्ति होंगी लघु संबोधन तक, यानी विभक्ति में से 7 कहलाई जाती हैं, 7 विभक्ति कहलाई जाती हैं। 8वीं में हम संबोधन बोल देते हैं। संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना। क्या मतलब होता है? किसी को पुकारना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विभक्ति कितनी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब आपने देखा होगा, आपने कारकों का अध्ययन किया होगा, कारक। तो इन विभक्तियों में कारक छुपे हुए होते हैं। कारक भी हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, इस तरह से कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, की के, अधिकरण में, पे, पर और संबोधन हे, अरे, ये आपने पढ़े होंगे। तो इन विभक्तियों में ही वो कारक छुपे हुए होते हैं, और उन कारक का ही प्रयोग इसमें होता है, यानी संबोधन कारक तक होता है। तो इन विभक्तियों में कारक छुपे हुए होते हैं। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, द्वितीया में कर्म होता है, तृतीया में करण होता है, चतुर्थी में संप्रदान होता है, पंचमी में अपादान होता है, और षष्ठी में संबंध होता है, और सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, और संबोधन में संबोधन कारक होता है। तो इसमें कारक छुपे हुए होते हैं। तो आज हम आपको संज्ञा शब्द के आत्मन यानी आत्मा शब्द के संज्ञा पुरलिंग में हम आपको अध्ययन कराएंगे।
तो इसमें हम एक वचन में होता है आत्मा, द्विवचन में आत्मानव, और इसमें बहुवचन में आत्मना, आत्माना, और द्वितीया में आत्मानम, आत्मानव, आत्मना। इस तरह से हम रूप याद करेंगे, आत्मना, आत्माभ्याम आत्मभि, आत्मने आत्माभ्याम आत्मभ्य, और आत्मना आत्माभ्याम आत्मभ्य, आत्मना आत्मनो आत्मनाम आत्मनाम, ठीक, आत्मनि आत्मनो आत्मसु, और संबोधन में हे आत्मना, हे आत्मनौ, हे आत्माना। तो ये इस तरह से रूप चलते हैं। अब इनका यूज क्या होता है, जो आपके पेपर होते हैं उसमें वो शब्द रूप का एक हेडिंग डाल देंगे कि निम्नलिखित शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप लिखिए, तो आपको केवल वो ही छांट कर लिखना है। यानी उसमें आता है कि आत्मन, आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखिए। इस तरह से पेपर में आएगा, आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखिए। तो आत्मन जो है वो संज्ञा का रूप है, तो हम पहले पहचान जाएंगे कि आत्मा जो है संज्ञा में आती है। फिर हम क्या देखेंगे, सप्तमी विभक्ति का, तो हम याद करते हुए मन मन में बोलते हुए, अगर यदि हमें याद नहीं है तो हम मन में बोलते हुए जब सप्तमी विभक्ति पे हम पहुँचेंगे तो सप्तमी विभक्ति यहाँ आएगी, सप्तमी मतलब सातवें नंबर पर। अब वो उसने कहा है कि बहुवचन का रूप लिखिए, तो हमें एकदम ये नहीं देना है या ना ये देना है, जो उसने पूछा है वही देना है। तो सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप पूछा है तो ये आएगा, यानी आत्म शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखिए। इसी तरह से प्रश्न आएंगे, बस इससे अलग प्रश्न नहीं आएंगे। वो पूछ लेंगे कि आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखिए। कभी कभी पूछ लेंगे, मतलब किसी का भी, कोई सी भी विभक्ति का, कोई से भी वचन का, वो आपसे रूप पूछेंगे। इससे ये वो बच्चे की क्षमता जानते हैं कि उसने रूप याद करे हैं कि नहीं करें। पूरा नहीं लिखवाते हैं, वो पूरा क्यों नहीं लिखवाते हैं कि बहुत से रट लेते हैं, जैसे कहते हैं रटंतम विद्या फलंतम नाही, यानी रटने वाली विद्या सफल नहीं होती है। तो वो करेक्ट पूछते हैं, जैसे मान लीजिए बचपन में हम पहाड़े पढ़ते हैं तो हम 2 से 20 तक पहाड़े रट लेते थे, और यदि हमसे कोई बीच बीच में से पूछता था कैना में चौवन इस तरह से, तो हम थोड़ा सा होपलेस हो जाया करते थे। मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ, जो बच्चे होते हैं तो वो रटने वाली चीज़ को आसानी से याद कर लेते हैं, और अगर यदि वो बीच में से पूछ लिया जाए तो वो थोड़ा झिझकते हैं, अटक जाते हैं। जैसे वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जब शुरू में बच्चा जाता है विद्यालय में, तो उससे वर्णमाला की जब हम शुरू से पूछते हैं तो वो एकदम बता देता है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, क्योंकि चित्र विधि के साथ वर्णमाला का अध्ययन कराया जाता है शुरू में। आपने देखा होगा छोटा लिखा हुआ होगा और वहाँ पे अनार का चित्र बना हुआ होगा या अमरूद का चित्र बना हुआ होगा, तो उसमें बच्चा आसानी से चित्र को देखकर एकदम पहचान जाता है कि छोटे आ से अनार है या छोटे आ से अमरूद है। इसी तरह से पहाड़े में भी
रट लेता है, दो का बाड़ा, दो एकम दो, दो दिन चार, इस तरह से जल्दी से रट लेता है। और जब बीच में से पूछते हैं छोटे बच्चे से तो वो अटक जाता है। तो इसी तरह से वो एग्जाम में आपकी क्षमता को देखते हैं, पूरे रूप ना लिखवा कर, यानी पूरे रूप आपसे नहीं लिखवाएंगे, वो जो चीज़ पूछी जाएगी आपको वो ही देना है। तो उन्होंने पूछा कि आत्मन शब्द का, सप्तमी विभक्ति का, बहुवचन का रूप लिखिए, तो आत्मसु आएगा। तो आपको वही लिख कर देना है जो उन्होंने पूछा है, पूरे रूप आप मत लिखना, हेडिंग बनाना बाकायदा, सप्तमी विभक्ति डाल के और बहुवचन डाल के, इस तरह से आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मसु। अब थोड़ा सा जब हमें ये याद होंगे बढ़िया तरीके से, तो जब हमें ये याद होंगे तभी हम रूप सही से बता सकते हैं। यदि हम याद नहीं करेंगे तो हम नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा इसमें जो एक वचन है उस पर हमें ज़्यादा गौर देनी पड़ती है। एक वचन में अधिकतर सब नए होते हैं, मतलब बदल बदल कर। और इसमें द्विवचन में क्या होता है, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के समान होते हैं, आत्मानव आत्मानव, और तृतीया चतुर्थी पंचमी इसके रूप समान होते हैं। देख लीजिए तीनों ही एक से होंगे। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन के रूप भी समान होते हैं। और जो हमारा संबोधन होता है वो ऊपर का उतर के आ जाता है, जो ऊपर की पहली लाइन होती है वो उतर के आ जाती है। लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें अलग है, इसमें ये एकदम ऊपर की उतरी हुई है, ठीक है, इसमें भी आकर डंडा नहीं है। लेकिन जैसे राम के रूप हैं तो एक एक जो प्रथम विभक्ति है वो ही उतर के आ जाएंगे। इसमें थोड़ा अलग है लेकिन आप इसी तरह से याद करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आपको याद होने में सुविधा हो उस तरह से आप याद करेंगे, जैसे आत्मा आत्मनो आत्माना। तो कुछ अधिकतर विद्यार्थी इधर को याद करते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन से। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहली लाइन को याद कर लेते हैं, फिर दूसरी को याद करते हैं, फिर तीसरी को याद करते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप याद कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीधे ही याद करें। यदि आपको इस तरह से करने में आसानी होती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको हलंतों का ध्यान रखना होगा, जहाँ पे हलंत होते हैं, विसर्गों का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, क्योंकि विसर्ग जहाँ पर होंगे तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है आत्माना और यहाँ पे आत्मना, आत्मा भी आत्मव्य, तो यहाँ पे भी ये सेम है, अधिकतर यहाँ के सेम मिलेंगे आपको, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आपको सेम ही मिलेंगे अधिकतर। तो आप इसे देखेंगे, अभी हमने इससे पहले आपको संज्ञा शब्द में बताए थे, अब हम एक सर्वनाम शब्द का देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द में सर्व, सर्व यानी सब, तो हमने बताया था आपको जो शब्द रूप होते हैं वो संज्ञा में संबोधन तक चलेंगे, सप्तमी के बाद संबोधन होती है उस तक चलेंगे, यानी विभक्ति संबोधन तक। और जो हमारे सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं, इसमें संबोधन नहीं होता। आप देख रहे होंगे पहले उस वाले में जो इससे पहले आत्मन के जो लिखवाए थे उसमें संबोधन वाला था, जो संबोधन वाली लाइन थी विभक्ति में, लेकिन आप इसमें देखेंगे सप्तमी तक है। तो संज्ञा में संबोधन तक चलते हैं और सर्वनाम में सप्तमी तक चलते हैं। तो इसके अंतर्गत सर्व यानी सबके, और ये पुल्लिंग के हैं, पुल्लिंग, तो सर्व सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, इस तरह से याद करते हैं ना, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य,
सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। तो इसी में भी जो ये लाइन होती है ना, इसको याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये जो द्विवचन जो होते हैं इसमें ये समान चलते हैं। पहले भी हमने आपको बताया था, प्रथमा द्वितीय विभक्ति में समान है, तृतीय चतुर्थी पंचमी में भी समान है, और षष्ठी और सप्तमी में भी समान है। तो ये तो हमें याद हो जाते हैं। अगर ये हम एक और ये प्रथमा वाला याद कर लें और तृतीय वाला याद कर लें, षष्ठी वाला याद कर लें, तो ये बीच वाले तो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये दो समान होते हैं, तीन समान होते हैं या दो समान होते हैं, दो तीन दो यानी समान होते हैं। अब इसमें जो चतुर्थी पंचमी होता है अधिकतर रूपों में समान ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ से भी क्या प्रश्न बन सकता है कि सर्व शब्द में और मान लीजिए द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप लिखना है, तो आपको सर्व शब्द में द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप लिखना है, तो हम दूसरी लाइन पर पहुंचेंगे तुरंत, ठीक है। सर्व शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, तो कौन सा रूप होगा, यानी सर्वौ ठीक। और वो पूछ लें सप्तमी विभक्ति बहुवचन तो सर्वेषु हो जाएगा, सर्वेषु यानी जो रूप पूछा जाएगा केवल हमें वही देना है। ये नहीं है कि हम पूरी सारणी उतार दें, हमें केवल एक ही शब्द लिखना है जो उन्होंने पूछा है। और अधिकतर ये प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो आपको वो विकल्प लिख देना है, और बहुविकल्पीय प्रश्न की जगह अगर स्वरूप बदलते हैं तो आप हेडिंग बना के लिखेंगे किस शब्द का पूछा, शब्द डाल लेंगे एक साइड में, शब्द विभक्ति और वचन, शब्द विभक्ति वचन, उसके बाद में आप उनकी शब्द डाल देंगे जिसका पूछा है, विभक्ति कौन सी पूछी है वो डालेंगे, उसके बाद में वचन कौन सा पूछा है वो डालेंगे, फिर लिख देंगे ये रूप है। तो आपको ये करना है, तो शब्द रूप में आपको संज्ञा के और सर्वनाम के रूप याद करने होते हैं, और जो मोस्ट हैं आज हमने आपको ये बताई दिए हैं, और जो कुछ और मोस्ट बचे हुए हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिलेंगे, आपको वो याद करने हैं। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पिछले वर्षों के आप पेपर भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रूप शरत के आते हैं, जगत के आते हैं, आत्मन के आते हैं, राजन के आते हैं, राजन यानी राजा। तो मुख्य आपको रूप PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको विभक्ति परिचय कराएँगे।